एक बार क्यूट से अंकल तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा गबरू जवान है ये, इनको फिट कैसे इन्होंने खुद को रखा हुआ है इनसे ये भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फाइन। मुझे बताएं यहाँ पे कैसे आना हुआ, किसके साथ आए हैं? मैं तो रूटीन से आता हूँ, रेगुलर आता हूँ, 80 से मेरी रूटीन बनी हुई है। अच्छा, यस। तो आप क्या वॉक करने आते हैं? जी एग्जैक्ट, वॉक करने के लिए। तो ये आपने कहा कि आप डेली आते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टेंट रहना पड़ता है इस चीज़ में, तो कैसे आप कंसिस्टेंट रह लेते हैं? बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन था, तो उसमें जब स्पोर्ट्स आप करते हैं तो फिर आपको एक्सरसाइज जो है ना उसको रेगुलर लेनी पड़ती है आपको जी। तो जिसे कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज, जब आप करते हैं तो फिर आप यूज़फुल हो जाते हैं जी। तो अगर आप उसको एक्सरसाइज को छोड़ देंगे तो फिर आपकी जो फिजीक है उसके अंदर और इश्यूज भी हो जाते हैं, लिहाजा उसको फिर मेंटेन करने के लिए फिर आपकी एक मजबूरी बन जाती है कि आप इसको मेंटेन करने के लिए आप इसको रेगुलर ऑफिस में आएंगे। अब पाकिस्तान में सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों घर हैं, लेकिन हर कोई नहीं अपने फिजीक के बारे में सोचता, ऐसे हद हराम लोगों को क्या कहेंगे आप? देखें, बीइंग ए मुस्लिम मैं आपको बताऊँ कि वैसे तो जो हमारा जो दीन है सैकड़ों लोग हैं, तो सैकड़ों लोगों में से कितने लोग हैं जो दीन की तरफ आते हैं जी। तो ये अपने बंदे का अपना एक मिजाज होता है कि आप जिसको भी आप अडॉप्ट कर लो तो वो फिर आपकी एक वो हैबिट बन जाती है, तो जिससे कहते आप अडॉप्ट नहीं करते या आप की जो सोच है वो उस तरफ नहीं जाती तो फिर आप उसको नहीं आते आप उस तरफ। इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है और इसमें जो है उसमें बहुत सारे मामलात को उसको रूटीन के अंदर लाने के लिए आपको थोड़ा सा उसका एक शेड्यूल, लाइफ शेड्यूल जो है ना उस पर आपको आना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। कोई हिडन टैलेंट कुछ सुनाना चाहें हम? हिडन टैलेंट सॉन्ग ही हो सकता है। सॉन्ग चले, गाना सुनाएंगे, थोड़ा सा ऊंचा गाएंगे आप, ठीक है? लेकिन बात ये पकड़ जो गाना मैं सुनाऊंगा ना वो तलत का गाना है, और तलत का जो गाना ना वो हमेशा वो लो पिच पे ही होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा लाउडली अगर आप गाएंगे तो फिर वो आप उस पिच से आप फट जाएंगे। ठीक है, आप जैसे सुनाना चाहते हैं सुनाएं। जी जी। या मैं आपको एक हेमंत कुमार का एक बताता हूँ, एक अंतरा सुनाता हूँ आपको। ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, ये मौसम ये रात चुप है, ये होंठों की बात कुछ है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, ये मौसम ये रात चुप है, ये होंठों की बात कुछ है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन गई है दिल की जुबान, न हम तुम्हें जाने। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाना था, घर जाके दोबारा से सुनूंगी क्योंकि मुझे खुद भी इतनी सही आवाज़ नहीं आई थी। असल में ये जो सॉन्ग है ना ये 60s के है सॉन्ग जी जी, तो आज तो की दीदम के साथ एग्जैक्टली exactly, और उसकी आज कल की जो जनरेशन है ना वो सॉन्ग को तो उसका पता भी नहीं है, लेकिन असल म्यूज़िक क्लासिकल जो था वो यही था जो मैंने आपको बताया। बहुत शुक्रिया सर आपके।